अगर आपको बेसन के लड्डू खाना बहुत पसंद है और आपके लड्डू अच्छे से नहीं बनते हैं, तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से लड्डू बनाए हैं और कुछ टिप्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके भी लड्डू ऐसे परफेक्ट बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं और इसका टेस्ट का कोई भी जवाब नहीं। तो आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू खाना बहुत लोगों को पसंद होता है और आप इसे 8 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 1/4 कप घी। अगर आप चम्मच से मेजर करेंगे तो ये 4 बड़े चम्मच है। इसमें हम डालेंगे 2 कप बेसन। हमें स्टार्टिंग में ही ज़्यादा घी नहीं डालना है। यहाँ पर स्टार्टिंग में हमें 1/4 कप घी का ही यूज़ किया है, हमें स्टार्टिंग में ज़्यादा घी यूज़ नहीं करना है। बाद में हम बेसन का टेक्सचर देख के घी ऐड करेंगे। अभी हम इसे लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और इसे हमें कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट करना है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। हमें इसे लो फ्लेम पर पकाना है और इसे कंटिन्यूसली ऐसे चलाते रहिए और जो गुठलियाँ बनती है उसे आप फोड़ते जाइए ताकि बिल्कुल परफेक्ट बने। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच और घी। पहले हमने 4 बड़े चम्मच डाले हैं, उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाला है, तो टोटल हमारा हुआ 5 बड़े चम्मच घी। इसे भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसे कंटिन्यूसली ऐसे चलाते रहिए। अगर आप इसे मीडियम या हाई फ्लेम पे रोस्ट करेंगे तो ये जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और खाने में कड़वे लगेंगे, तो आप इसे लो फ्लेम पे ही रोस्ट करें। यहाँ पे मैंने और 1 बड़ा चम्मच घी डाला है। जब तक बेसन में हमें थोड़ा सा मॉइस्चर ना दिखाई दे तब तक हमें इसमें घी ऐड करते जाना है। 2 कप बेसन के लिए हमें 1/2 कप से भी कम घी लगेगा, तो आप स्टार्टिंग में ज़्यादा घी यूज़ ना करें। तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं बेसन को भूनते वक्त और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अभी हमें इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर नहीं दिख रहा है, तो अभी हम 1 बड़ा चम्मच घी और ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। बस हमें इससे ज़्यादा घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं बेसन में अच्छा सा मॉइस्चर अभी बन रहा है। अगर आपने स्टार्टिंग में ज़्यादा घी डाला तो आपके लड्डू जो है वो अच्छे से नहीं बनेंगे या फिर बनेंगे ही नहीं, मिक्सचर जो है वो पतला हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे थोड़ा थोड़ा घी ऐड करके भून लें अच्छे से, तभी आपके लड्डू जो है वो परफेक्ट बनेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी ये इकट्ठा हो रहा है, इसका मतलब ये इसमें मॉइस्चर रिलीज हो गया है और हमारा बेसन भी अच्छे से भून गया है, इसमें से एकदम बढ़िया खुशबू आने लगी है। अगर आप इस ट्रिक से लड्डू बनाएंगे तो आपके बेसन के लड्डू ना ही पतले बनेंगे और ना ही सख्त बनेंगे, बहुत ही आपके लड्डू जो है वो परफेक्ट बनते हैं और ये 8 से 10 दिन तक एकदम सॉफ्ट ही रहते हैं। तो यहाँ पे टोटल 20 मिनट हो गए हैं और हमारा बेसन जो है वो अच्छे से भून गया है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे जो है वो एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप गर्मा गर्म ही इसे प्लेट में निकाल लें और इसे हमें हल्का सा ठंडा करना है, इसे पूरा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो हमारे लड्डू जो है वो बांधने में हमें दिक्कत होगी। तो इसे थोड़ा सा हल्का सा ठंडा कर ले और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और डालेंगे चीनी, यहाँ पे 1/2 कप पाउडर चीनी का यूज़ करें। चीनी को पीसते वक्त थोड़ा सा दरदरा रखें। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो याद रखें 2 कप बेसन के लिए हमने 1/2 कप चीनी का यूज़ किया है और 1/2 से थोड़ा सा कम घी यूज़ किया है। जब आपका बेसन का मिक्सचर हल्का सा गर्म हो तभी आपको इसमें चीनी मिला लेनी है, नहीं तो हमारे बाद में लड्डू जो है वो अच्छे से नहीं बनेंगे और चीनी अच्छे से मिक्स नहीं होगी। तो आप इसे ऐसे हाथों से देखें कि लड्डू बन रहे या नहीं। अगर आपको घी कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे परफेक्ट लड्डू बन रहे हैं तो घी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हम सारे लड्डू बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे बेसन के लड्डू बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितने आसानी से बने हैं और एकदम परफेक्ट टेक्स्चर है इसका। तो आप इस बेसन के लड्डू को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत ही पसंद आएगा और आप इसे बार बार खाना पसंद करेंगे और ये बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले लड्डू है। अगर आपको पसंद है तो आप इसे ड्राई फ्रूट के साथ ऐसे गार्निश कर ले, इससे वो दिखने में भी टेस्टी लगते हैं और खाने में भी उसका टेस्ट बढ़ जाता है।
और यहाँ पे हम इसे तोड़कर देखेंगे, आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट है। तो आप इसे एक वीक के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक और शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही नए वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।